हेलो गाइस, केसल की वीडियोस में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इंडेफिनेट प्रोनाउन ईच और एवरी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट समझाएंगे जिससे एग्जाम में ईच और एवरी से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, आखिर इसमें है क्या। दोस्तों, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, कहने का मतलब ये है कि दो सिंगुलर नाउन जिनके बीच में एंड हो और प्रत्येक सिंगुलर नाउन्स के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो, जैसे कि ईच पेन, ईच पेंसिल, ईच पेन एंड ईच पेंसिल, ईच गर्ल एंड ईच बॉय, इस टाइप से ही बता रहे हैं। यदि दोनों सिंगुलर नाउन से पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और फ्रेंड्स, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, ईच बॉय, ईच डॉग, ईच काउ, एनी थिंग, अगर उसके पहले ईच लगा हुआ है तो वो सिंगुलर नाउन होगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, अगर कहीं पर दिया हो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच प्रिंसिपल एंड ईच टीचर, अगर इस टाइप के सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तब भी फ्रेंड्स उनको एक ही माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। Each pen and each pencil are red. तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा each pen and each pencil, तो जो student होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने सोचा each pen, प्रत्येक pen और प्रत्येक pencil are red, लाल है। तो दोस्तों, वो खटाक से यहाँ पर टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है ये मैं बताता हूँ। दोस्तों, ये आप देखिए, each pen and each pencil, ये एक singular subject है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये इतना एक ही है। तो फ्रेंड, इसके साथ आर का प्रयोग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इज। ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड, अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर आपको ईच पेन, ईच पेंसिल या ईच बॉय, ईच गर्ल बीच में एंड लगा हो, ईच काउ एंड ईच बुफेलो, तो वो सारे सिंगुलर नाउन ही होंगे, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा एग्जांपल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर लेबोरियस। अब दोस्तों, स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यहाँ पर बॉय दिया हुआ है, बीच में एंड है और इधर गर्ल दिया हुआ है, ये दोनों अलग अलग नाउन है, उसी के हिसाब से यहाँ पर आर आ रहा है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें भी यहाँ पर इसको राइट कर देते हैं, जो कि फ्रेंड्स गलत है। मैंने आपको बताया ये सेंटेंस बॉय और गर्ल के हिसाब से नहीं बनता है, क्योंकि इसके आगे ईच लगा हुआ है, ईच बॉय। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप, ईच बॉय एंड गर्ल, तो दोस्तों ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही है, मतलब सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज लेबोरियस। तो देखा दोस्तों आपने, इतनी बड़ी मिस्टेक यहाँ पर हो जाती है जरा सी भी। दूसरी मिस्टेक कैसे पहचानेंगे फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ ईच पेन, एग्जामिनर क्या होगा, यहाँ पर पेंस कर देंगे, ईच पेंस, तब भी ये गलत हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर ईच पेंस कर दें और यहाँ पर ईच पेंसिल्स कर दें, फ्रेंड्स फिर भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ईच के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। और एक एग्जांपल और देखते हैं, ईच पेन एंड पेंसिल आर रेड, ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर ईच आएगा। ध्यान देने वाली बात ये है, ईच पेन एंड पेंसिल, ये फ्रेंड्स यहाँ तक जो है ये एक ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और देखते हैं एवरी के बारे में, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर लेबोरियस। तो दोस्तों, यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ये दोस्तों इतना एक ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ आएगी सिंगुलर वर्ब इज। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है, जहाँ पर भी आपको ईच दिखे, एवरी दिखे, उसके बाद आपको जो नाउन दिखे वो सिंगुलर होना चाहिए। अगर वो वहाँ पर प्लूरल है, जैसे कि ईच पेंस, गलत हो जाएगा, ईच काउस, ईच डॉग्स, ये सारे गलत हो जाएंगे। सिंगुलर नाउन होना चाहिए ईच के बाद, एवरी के बाद, तभी फ्रेंड्स वो क्वेश्चन जो है सही होगा, अदरवाइज गलत होगा और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर वर्ब आएगी। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा ईच और एवरी में डिफरेंस क्या है। ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ईच का जो प्रयोग है वो प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। दूसरा, एवरी का प्रयोग
प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि एवरी का जो प्रयोग है वो दो से अधिक के लिए ही होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, इसका एक अपवाद है, वो समझ लीजिए क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% स्पॉटिक एरर में वहीं से क्वेश्चन आता है, जब फ्रेंड्स ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये तो एक आपका इसी का हो गया, ईच हैव अ पेन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ, ईच हैव अ पेन। मैंने आपसे कहा कि सेंटेंस के सब्जेक्ट में शुरू में अगर ईच, एवरी किसी का भी प्रयोग है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा आपने, ये हैव लगा हुआ, ये गलत है। यहाँ पर आएगा हैज़। अब ये सेंटेंस राइट हो गया है। अब इसका जो अपवाद है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहीं से आता है। क्या है अपवाद? प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन। कहने का तात्पर्य है, बहुवचन नाउन है या बहुवचन प्रोनाउन है, जैसे दे, दीज, दोज। और नाउन की बात करें, डॉग्स, काउस, एलिफेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, एनीथिंग। प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच का प्रयोग हो तो सेंटेंस को प्लूरल माना जाता है। क्यों? देखिए, बी ईच। अब दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा, बी ईच शुरू में ये प्लूरल नाउन है, उसके बाद आया ईच। जब यह कंडीशन होगी, ऐसी स्थिति होगी, तब ये सिंगुलर नहीं होगा, तब यहाँ पर प्लूरल होगा और इसी के हिसाब से प्लूरल बन पाएगी। बी ईच हैव अ पेन। दोस्तों, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि मैंने इसको इसलिए दिया हुआ है, ऐसा ना हो स्टूडेंट सोचे कि टीचर ने पढ़ाया था कि ईच का प्रयोग होगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नहीं फ्रेंड्स, अगर प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच, एवरी का प्रयोग अगर होता है तो उसे प्लूरल माना जाएगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। एक एग्जाम्पल और, दी बॉयज ईच हैव अ बाज। तो दोस्तों, आपने देखा प्लूरल नाउन, उसके बाद ईच का प्रयोग, तो ये प्लूरल माना जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वर्ब आई हैव। एग्ज़ाम में क्या करेंगे, यहाँ पर हैज़ दे देंगे, यहाँ पर बॉय दे देंगे, तब भी ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ईच और एवरी का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए होता है। ईच और एवरी के बाद आपको सिंगुलर नाउन, इसको देखना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच पेन, ईच डॉग, ईच एलिफेंट, कुछ भी सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद अगर एंड लगा हो और यदि नाउन हो तब भी कोई समस्या नहीं, वो भी सिंगुलर होना चाहिए। इसके बाद ये ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ये यहाँ तक एक ही सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। और फ्रेंड्स, इसी के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी। तो दोस्तों, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर इसके बाद आपको ईच के बाद अगर आपको प्लूरल नाउन दिखे तो सेंटेंस गलत होगा। हाँ, इससे पहले ज़रूर हो सकता है, जैसे बी ईच हैव अ पेन, मतलब प्लूरल नाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो प्लूरल माना जाएगा, यदि सिंगुलर नाउन से पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो तो सिंगुलर माना जाएगा, क्योंकि ईच और एवरी फ्रेंड्स ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको, बार बार जोर यही दे रहा हूँ कि आप जो हैं ईच, एवरी और इसके बाद अगर कोई नाउन हो वो सिंगुलर होगा, उसके बाद अगर एंड हो फिर अगर नाउन हो तो वो भी सिंगुलर होगा, और उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इसका जो अपवाद है इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच, एवरी का प्रयोग हो तो इसको प्लूरल माना जाएगा और इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था ईच, एवरी का पूरा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन एग्ज़ाम में बड़ी बड़ी गलतियाँ इससे होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर और भी कई सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के जीके के टॉपिक वाइज जीके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश जीके के नाम से, यूपी स्पेशल जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के ऐसे क्वेश्चन को देख सकते हैं जो एग्ज़ाम में डिट्टो रिपीट होते रहते हैं और वो कई दफ़ा रिपीट हुए हैं। और जितना भी दोस्तों हमारे चैनल पर जो मटेरियल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिसर्च करके हम लोग वीडियो बनाते हैं,
तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ में, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए।